हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो नंबर 28। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी 27 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 28 है, इसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट्स करके वीडियो के बारे में अपने राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की जो आधारशिला है वो जिस काल में रखी जाती है, उस काल का नाम है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बाल्यावस्था में अगर बच्चों पे अगर अच्छे से ध्यान दे लिया जाए तो उनकी शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की जो बढ़ने की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो बाल्यावस्था काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है एक बच्चे के लिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में ये सभी बातें सम्मिलित है। कौन कौन सी? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था और एक है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है हमारा, यह कथन, एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? एक्चुअली यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और ये पूछा गया है कि यह किस सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, तो यह है गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से सही कथन का चयन करने के लिए कहा है। तो एक्चुअली ये सारे कथन सही है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, अधिगम के संबंध में। शिक्षार्थी को जानने में सहायक होता है ये, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक होता है और प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक होता है और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में भी सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आसू बेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो आसू बेल के अनुसार सीखने में समस्या का समाधान जो निहित होता है वह होता है खोजपूर्ण सीखना। ये खोजपूर्ण सीखना जो है इसमें एक बच्चे की जो समस्या का है काफ़ी समाधान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान अगर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव की जो पुस्तक है ये लिखी थी डेविड आसूबेल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये डेविड आसूबेल की, और इन्होंने ये कथन दिया था जो मैंने आपको भी लास्ट में बताया है कि संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में जो है विचारों का आदान प्रदान होता है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो शिक्षण प्रतिमान का जो कार्य नहीं है वो ये डी वाला नहीं है, सामाजिक कौशलों का चयन। जबकि पाठ्यक्रम के रूपरेखा बनाना, अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की क्रिया को निर्देश करने, सब शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वही ऑप्शन नंबर डी है, केवल 4थी विशेषता नहीं है, बाकी 1ली, 2री और 3री है। देखते हैं क्या है ये। कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सादेश सो उद्देश्य अंतक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, ये भी बात सही है। और वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, ये बात भी सही है। जबकि श्रेष्ठ चिंतन व्यूह का विकास ये नहीं करता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रक्षेपण
एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? तो विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक में एक्चुअली सभी आएंगे, पाठ्य चर्चा, शिक्षक और प्रबंध तंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो शिक्षा में व्यवहारवाद का जो विचार है वो सबसे पहले जॉन वॉटसन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है वह क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी से है, तो इसमें जो कूट सही होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि पहला और तीसरा ये दोनों कथन सही है। क्या क्या देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और हार्डवेयर उपागम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो इन 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इनमें से बुद्धि का आयाम नहीं है, तो ये सी वाला नहीं है, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। जबकि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति है, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण है, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण भी है। प्रभावी के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है, पर्यावरण, संदर्भ, प्रक्रिया, अदा, इसको निवेश भी कहते हैं, प्रदा, इसको उत्पाद भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सीरियल से जमाना है, तो यह ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग सही होगा। सबसे पहला होगा निवेश, उसके बाद होगा प्रोसेस, प्रक्रिया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले होगा निवेश एक नंबर पे, फिर होगी प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद होगा उत्पाद नंबर 3 पर, और लास्ट में होगा आपका पर्यावरण, संदर्भ। सो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये वाला सी वाला जो है क्रियात्मक स्तर, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में शामिल नहीं है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें पहली और चौथी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संक्रमण अवस्था और आत्मकेंद्रित अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जो सही बात नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, जबकि ए, बी और सी सही है। क्या है देख लेते हैं, जो सही है वो देख लेते हैं। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, ये बात भी सत्य है, और सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील अवस्था है, ये बात भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो यौवनारंभ की जो उम्र है वो है रहती है एक्चुअली 13 से 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला है, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, ये जो है ये शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता में नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हैं तो जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उन्हें हम शिक्षण सामग्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? तो खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का जो चरण नहीं है वो ये ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 वाला, प्रदत्त चयन यानी कि उपागम, ये खोज प्रशिक्षण का चरण नहीं है। जबकि प्रदत्तों का एकत्रीकरण, इसमें सत्यापन होता है, ये सही है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रायोगिकरण ये भी सही है, और स्पष्टीकरण का निर्णय, ये सारी बातें सही है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था जो संबंधित है वो है कोहलबर्ग के अनुसार। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी है? तो तनाव को घटाने की जो प्रत्यक्ष विधियां हैं वो ये वाली पहली, दूसरी और चौथी, ये तीनों हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को का अथवा शोधन, और दूसरा मार्ग खोजना, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो सहकारी अधिगम के जो तत्व हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये 25 नंबर का प्रश्न था हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन तकनीकी नहीं है? तो ये इसमें से 26 वाली, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ये इसमें नहीं आ गया। बाकी हास्य मित्रता एवं रुचियाँ और ध्यान एवं आध्यात्मिकता और स्वयं अनुशासन एवं स्वयं नियंत्रण, सरल शिक्षा साथ, ये सारे इसमें शामिल है।
अगला प्रश्न है, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? तो आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो कहलाता है अधिगम, इसको हम अधिगम कहते हैं। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो अधिगम का प्रकार नहीं है वो ये कल्पनाशील अधिगम, ये इसमें अधिगम का प्रकार नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिवृत्त्यात्मक अधिगम ये सब इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है? तो शिक्षण का चरण जो नहीं है वो ये ऑप्शन नंबर बी, माता पिता, ये शिक्षण का चरण नहीं है, जबकि शिक्षक, पाठ्यचर्चा और विद्यार्थी ये इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। तो इनमें से सही उत्तर का हमको चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सारे कथन जो इसमें सही होंगे, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए और व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। और आज के लिए फिर इतना ही है, फिर मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।